हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्फोरम मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखने वाले हैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक बना हुआ है वृत्त। अब चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके चारों जो पॉइंट हैं या चारों जो शीर्ष हैं वो कहाँ पर बने हुए हों, वृत्त के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, इसके चारों पॉइंट कहाँ पर हैं, वृत्त के ऊपर है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ये चारों पॉइंट इसके चक्रीय चतुर्भुज के पॉइंट जो हैं, ये शीर्ष जो हैं कहाँ पे स्थित हैं, वृत्त पर स्थित हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ये सब कहाँ पे स्थित हैं, वृत्त के ऊपर स्थित हैं। अगर इनमें से एक भी वृत्त पर ना हो, या तो वृत्त से बाहर हो या वृत्त के अंदर हो, तो वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये एक वृत्त है और मैं ऐसे बना लेता हूं इसको, इसमें ये वाला ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये जो है डी पॉइंट है। ये डी पॉइंट वृत्त के ऊपर नहीं है, तो अगर ये वृत्त के ऊपर नहीं है तो इसका नाम चक्रीय चतुर्भुज भी नहीं होगा। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके चारों पॉइंट कहां पे हों, वृत्त के ऊपर स्थित हों। देखिए, अब इसमें हम देखेंगे निम्न आकृतियों में चक्रीय चतुर्भुजों की पहचान करें। तो हमें चक्रीय चतुर्भुज बताना है कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखो, ए डी सी और बी, चार इसमें पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें ये बाहर बना हुआ है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ठीक है ना, ए बी सी डी, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो बी और सी नहीं बने हुए हैं, अगर ये इसके ऊपर ही बने होते, वर्त के ऊपर ही, ये चक्रीय चतुर्भुज होता, फिलहाल ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ऐसे यह है ए बी सी डी, जो डी पॉइंट है वो चक्री कहानी बना हुआ है, वर्त पर नहीं बना हुआ, इसलिए ये भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। लेकिन हमने जैसे अपने सवाल में बनाया है ए बी सी डी, ये चारों बिंदु कहाँ है, इसके शीर्ष पे, इसलिए क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना, अब हम इसके कोण के बारे में जानेंगे। तो अब हम जानेंगे चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के बारे में। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज में देखो, जैसे चार कोण दिए हुए हैं, एक दो तीन चार, तो इसमें सबसे पहले देखो ये और ये दोनों पास के कोण है, इसलिए इन दोनों का नाम है आसन कोण। ठीक है, और जो आमने सामने के कोण होंगे, जैसे ए और सी, ए और सी, इनका नाम है सम्मुख कोण। ठीक है, यानी ए और सी जो एंगल है वो एक दूसरे के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता यह है कि इसके एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180। ठीक है, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर भी कितना होगा, 180 होगा। तो हम कहते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, यानी एक दूसरे को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 180 आएगा। ठीक है, सपोज करो कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो, 110 डिग्री का हो, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो 70 डिग्री का होगा, दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 70 आएगा, मतलब दोनों को जोड़ के 180 आएगा, क्योंकि 110 यहाँ पे है और 70 यहाँ पे है, तो दोनों को जोड़ के 180 आ जाएगा। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के बारे में आपने जानना। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें क्या करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस वृत्त के अंतर्गत बना है। देखो, ये वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है और ये क्या है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें R बराबर दिया हुआ है 80 और S बराबर दिया हुआ है 85। हमें क्या निकालना है, एंगल P निकालना है और एंगल Q निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में, हम इसे करेंगे, देखो ये 80 है, तो हमने पढ़ा है कि आमने सामने वाले कितने होंगे, आमने सामने वाले 180 होंगे जोड़कर दोनों। ठीक है, ये 80 है तो ये कितना आना चाहिए, 100, ये 100 आएगा तभी कितना बनेगा, ये 180, ये कितना है 85, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, है ना, इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, तो 85 में क्या जोड़े कि 180 हो जावे, तो 5 यहाँ पे जोड़ा आपने, हो गया 90, और 90 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 180, तो यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा 95, तो एंगल क्यू तो 95 आ जाएगा और एंगल पी 100 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे करके दिखाता हूं आपको। देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल एस प्लस एंगल क्यू बराबर होगा 180, और एंगल एस की वैल्यू दी हुई है कितनी, 85, प्लस
एंगल क्यू बराबर 180, ठीक है। एंगल क्यू बराबर कितना होगा 180 माइनस 85, तो यहां से आपका निकल गया होगा एंगल क्यू बराबर 95 95। 180 में से 85 घटा देंगे, क्या किया, बस जो हमारा चित्र है उसमें क्या दे रखा था, एंगल एस की वैल्यू दे रखी थी, एंगल क्यू निकालना था। तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है चक्रीय चतुर्भुज में 180, वहीं से हमने फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लिया। ऐसे ही आप दूसरे वाला निकाल लोगे, एंगल पी यहाँ पे लिख के एंगल पी प्लस एंगल आर बराबर 180, तो एंगल आर कितना है 80 का, ठीक है ना, एंगल पी निकालना है तो 80 को इधर भेजोगे, एंगल पी बराबर 180 माइनस 80 बराबर कितना आ गया 100, तो एंगल पी की वैल्यू कितनी हो गई 100। तो इस तरीके से आप चक्रीय चतुर्भुज के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है, ये वाला 13.38, इसमें ये चित्र दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्या करना है, यदि एंगल सी यानी एंगल सी ये वाला बराबर हो एक्स के, एक्स डिग्री हो, और एंगल ए, एंगल ए बराबर 2x डिग्री हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब करेंगे कैसे, तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, वही गुण लगाएंगे किसका, चक्रीय चतुर्भुज का, कि क्या कहता है वो गुण, वो कहता है कि आमने सामने के जो एंगल है वो कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए और ए के सामने सी, आमने सामने यानी सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल सी को जोड़ेंगे तो उन्हें कितना आना चाहिए, वो 180 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी में लिखता हूं और तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं इसे, यहां पे लिखा ये देखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी, सवाल सात है, बराबर कितना होगा 180, ठीक है। एंगल ए की जो वैल्यू है वो दी हुई है 2x, प्लस एंगल सी की वैल्यू है x, बराबर हो गया 180। अब इस वाले को इधर जोड़ेंगे, ये कौन सी सिंपल क्या बन गई, समीकरण बन गई, एक रैखिक समीकरण बन गई, 2x को x में जोड़ना है तो कितने x हो गया 3x बराबर 180। अब क्या करेंगे, जो गुना में है यहाँ पे उसे भाग में भेज दे देंगे, यहाँ पे तीन गुना में उसे भाग में भेज जा 180/3, तो x बराबर कितना आ गया, जब आप x को काटोगे तो 3 6 18 तो 60, ठीक है, 3 6 18, और ये क्या हो जाएगा x बराबर 60 इसका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 60 आ गई। बाकी जो भी इसके सवाल हैं आप आसानी से हल कर सकते हो, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म मैथमेटिक्स को। धन्यवाद।